दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी कई जोड़ियां हैं जिनके प्यार को मंजिल नहीं नसीब हो पाई है। ऐसी ही एक जोड़ी थी रवीना टंडन और अक्षय कुमार की। एक वक्त पे दोनों बेहद ही करीब थे, लेकिन वक्त बीता गया और दोनों के बीच दूरियां आती गई। एक जमाना था जब रवीना अक्षय कुमार को अपना दिल दे बैठी थी। दोनों का एक साल 1994 में आई फिल्म मोहरा के सेट से शुरू हुई थी। यहाँ तक कि इस फिल्म को खत्म होते होते दोनों एक्टर एक दूसरे को डेट करने लगे थे। यहाँ तक कि फिल्मी गलियारों में इनके अफेयर की भी चर्चा शुरू हो गई थी। बता दें कि इस जोड़ी ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि दोनों ने सगाई तक का प्लान कर लिया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया कि वो एक दूसरे के साथ जीवन बिता सके। रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि उन्होंने अक्षय की वजह से अपने टॉप पे चल रहे करियर तक से समझौता करने का मन बना लिया था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रवीना के एक इंटरव्यू में बताया था कि अक्षय ने उनसे कहा था कि जिस दिन वो फिल्मी दुनिया से अपनी दूरी बना लेंगी उस दिन से हम शादी कर लेंगे। इसके लिए रवीना टंडन मान भी गई थी, लेकिन अक्षय कुमार का लवली नेचर के चलते उन दोनों के बीच दूरियां आ गई। अक्षय कुमार कई और अभिनेत्रियों को डेट कर रहे थे जिसका पता रवीना टंडन को चला और दोनों के बीच दूरियां आ गई, जिसमें उनकी खास फ्रेंड शिल्पा शेट्टी जो अक्षय कुमार को उनके रिलेशन में रहते हुए डेट कर रही थी। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड तक हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।